देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं वर्षा शर्मा, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। ऐसे समय में जब कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, लोग बच्चों को लेकर बेहद सतर्क हैं। अब देश भर में एक नई बीमारी पांव पसारने लगी है। अब ये महामारी भले ना हो, पर कई शहरों में जिस तरह से रोगी बढ़ रहे हैं, उसने कोरोना काल में नई टेंशन जरूर पैदा कर दी। जी हाँ, कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे देश में जब पूरा स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान चला रहा है, अब डेंगू भी फैलने लगा है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे लोगों की जानें भी जा रही हैं और बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जिन लोगों को पहले कोविड हो चुका है, उन्हें डेंगू के गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हैं और उन्हें ठीक होने में एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा समय लग रहा है। पैरासिटामोल टैबलेट की बड़ी बिक्री भी एक नई तरह की घबराहट की ओर इशारा कर रही है। कोरोना का विकराल रूप देख चुके लोगों को डेंगू से भी सावधान रहने की जरूरत है। साफ पानी में पनपने वाले मच्छरों से होने वाला डेंगू युवाओं को ज्यादा अपनी चपेट में ले रहा है। उंगली की नोक के बराबर मच्छर हमें बीमार, या मैं यूं कहूं कि गंभीर रूप से बीमार कर सकता है, जान भी जा सकती है। एम्स के एक्सपर्ट बताते हैं कि डेंगू बुखार में तेज बुखार, शरीर और सिर में तेज दर्द होता है, शरीर पर रैशेज भी दिखाई देते हैं। ये महामारी के रूप में भी फैल सकती है। इससे बचना है तो एडीज मच्छरों का प्रजनन रोकना होगा। ये पानी के स्रोतों में ही पैदा होते हैं, जैसे नालियों, गड्ढों, रूम, कूलर, टूटी बोतलें, पुराने टायर्स और डिब्बे जैसी जगह में फैलता है जहां पानी रुका हुआ हो। ऐसे में घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।